दोनों का 57,000 पड़ा इनका, एगो टीवीएस साथ में 20,000 उसका पड़ा ना। और विशेष जो रहे सारी विशेष वीडियो में बताएंगे बने रहिए पूरा अंत तक। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देखना शुरू करते हैं जेडपीआर मार्केट प्लेस का ऑफिशियल लुक। दोस्तों बात करें, भाई हैं, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है अनूप कुमार। अनूप कुमार, आप नीलामी में हमेशा भाग लेते हैं? दो बार से ले रहे हैं। दो बार से नीलामी भाग ले रहे हैं? एक बार तो हमको गाड़ी नहीं मिला। अच्छा, दूसरा बार लिए हैं। दूसरा बार आज ये आए हुए हैं, देख सकते हैं चाटी थाना में रिलीजिंग करवाने गाड़ी का, यानी गाड़ी का रिलीजिंग करवाने, ठीक है? और आज रिलीजिंग है इनका। कई कितना गाड़ी पर आप बोली लगाए थे? ऐसे तो सात वाहन का भरे हुए थे। अच्छा, तो एक पैसन प्रो और तो नहीं आया, ज़्यादा बोली लग गया तो छोड़ दिए। और एक पैसन प्रो जो बचा हुआ था 37 नंबर, उसमें बोली लगाए, ठीक है। 36 नंबर वाला गाड़ी नहीं बिका, नहीं बिका तो 37 नंबर में सटा दिया गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद गाड़ी लिए, गाड़ी तो देखे नहीं थे, वहाँ सब बोलने लगा कि स्कूटी है स्कूटी है। सोचे कोई भी स्कूटी होगा तो 10-15 हज़ार तो बिकी जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हम लगाए थे। लगाने के बाद क्या हुआ, यहाँ आने के बाद देखे तो गाड़ी कबाड़ वाला है। देखिए कभी कभी तो यही ध्यानपूर्वक देखा जाता है कि जैसे आप तो गाड़ी को देखे नहीं थे, नहीं बिना देखे हुए आपको साथ में सटा दिया जाएगा बोली लगाने के लिए। लेकिन देखिए ये कहीं ना कहीं तो ये उधर से है, ये सटाना नहीं चाहिए, ये तो कहीं ना कहीं गलत होगा। लेकिन पहला चीज़ क्या है कि बिना देखे हुए अगर आप गाड़ी पर बोली लगाते हैं तो यही चीज़ आपके साथ में होगा, क्योंकि आप गाड़ी को देखे नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे कि गाड़ी कैसा होगा। हो सकता है स्क्रैप का गाड़ी हो, कबाड़ा का गाड़ी हो, ऐसा गाड़ी जो है लगभग अधिकतर स्क्रैप में आता है। और स्क्रैप का जो दाम होता है वो मान के चलिए, जैसे वो गाड़ी 20,000 में लिए, वो स्क्रैप में अगर वो रहता तो स्क्रैप में ज़्यादा जाता था 4,000 से 5,000 स्क्रैप में जाता है। स्क्रैप के भी यहाँ पर आता है नीलामी, जो लिस्ट निकलता है उस लिस्ट में प्रसत्य लिखा रहता है कौन स्क्रैप के लिए प्रसत्य, उस लिस्ट पर स्क्रैप मेंशन भी होता है, चाहे आपको गोपालगंज का हो, मुजफ्फरपुर का है, मोतिहारी को, जहाँ का भी हम आपको नीलामी का वीडियो दिखाते हैं वहाँ पे पूरा मेंशन रहता है। प्लस में आपको दिखाते हैं कि ये स्क्रैप का है तो स्क्रैप के लिए आपको अलग से उसका भी आता है। स्क्रैप का ज़्यादातर जो है लॉट में नीलामी चलता है, जैसे ये पूरा लॉट है, पूरा लॉट में उसका नीलामी ऑप्शन किया जाता है। तो आज यहाँ पे जो ये भी रिलीजिंग के लिए आए हैं, हम भी रिलीजिंग के लिए आए हैं। इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस का वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। तो भाई आप कहाँ से आए हुए हैं? हम मोतीपुर से आए हुए हैं। चलिए मोतीपुर बगल में है, मेरा भी उधर मोतीपुर है। तो मोतीपुर में थाना में भी कुछ गाड़ी सब था, वहाँ पे देखे था उसमें, वहाँ पे देखे, अच्छा गाड़ी हमको नहीं लगा तो छोड़ दिया। अच्छा, अब माने आप ये मिला दूसरा बार गाड़ी उठा रहे हैं? दूसरा गाड़ी पहले बार उठा रहे हैं, दूसरा बार भाग लिए, दूसरा बार भाग लिए थे। तो यानी वीडियो वगैरह कहीं से कहीं देखे थे, जिसके बारे में जानकारी आपको कैसे मिला था? हमको बहुत पहले से जानकारी था, ठीक है, बाकी कहाँ से हमको आवेदन देना है हमको जानकारी नहीं था। अच्छा, ये सब जानकारी नहीं, एक दो साल के बाद हमको आवेदन कहाँ से देना पड़ेगा ये सब जानकारी हुआ। अच्छा, तब भाग लिए। देखिए आवेदन से लेकर आपको रिलीजिंग तक का पूरा फुल प्रोसेस वीडियो है। अगर आप अनजान भी होंगे या आप इसके बारे में जीरो से भी नहीं जानते होंगे तो मेरा वीडियो जाइए देखिए। ये जीरो से लेके आपको हीरो तक बनाने तक का पूरा कोर्स, एक मानिए पूरा फुल कोर्स ए टू जेड आपको दिया हुआ है। तो संग्रहालय से लेके नीलामी की लाइव नीलामी से लेके लाइव फॉर्म, लाइव आवेदन, लाइव रिलीजिंग और लाइव गाड़ी निकालने तक का पूरा वीडियो हम दिखा दिए हुए हैं। अगर नहीं होगा तो इसका वीडियो फिर हम एक दूसरा ला कर दे देंगे, आप लोग आप उसको देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट। अगर आप नए भी होंगे ना, बिल्कुल आप वीडियो देखकर आप पूरा सारा कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और भाई के तरह फंसिएगा नहीं, भाई तो थोड़ा सा फंस गए हैं सिर्फ एक गाड़ी में, लेकिन एक गाड़ी में फंस गए हैं, बाकी गाड़ी इनका सही है। एक गाड़ी में जीते हुए हैं लेकिन दूसरा गाड़ी में ये हारे हुए हैं। तो कुल मिला के बात करें तो इनका कहीं ना कहीं से इनको लॉसी है, लेकिन इस नीलामी में हो सकता है अगला नीलामी में ज़्यादा मुनाफा कमा सके। मेरा यही आग्रह रहेगा, यही कोशिश रहेगा कि अगला नीलामी में कम से कम 10 गाड़ी पा रहे, 10 गाड़ी 10 गाड़ी, क्योंकि 10 गाड़ी अगर होता है तो एक नया गाड़ी ऐसा पनौती निकल जाता है। पनौती हर आदमी के साथ में होता है, मेरे साथ में, इनके साथ तो हर कोई क्या होता है, पनौती किसी के साथ में तो एक पनौती लग ही जाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, गाड़ी लेने से पहले इसका आवश्यक ध्यान रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय।